इन लोगों ने अपनी नई सुपर कार फाइनली बुक करा दिया गाइस। अगर इस व्लॉग पे 10,000 कमेंट आएंगे ना कि बाबू भैया मैक्लेरेन ले लो, तो फिर हम लोग मैक्लेरेन ही फाइनल कर देंगे। चेक दिस आउट गाइस, लैम्बो हो चुकी है एकदम सही, एंड फाइनली बाबू भैया पहुंच चुके हैं लैम्बोर्गिनी को लेकर के अपने घर में। So hey guys, good evening, welcome back to the new episode guys। आज इस vlog की शुरुआत हो रही है बहुत ही धमाकेदार, but last वाले vlog की शुरुआत बहुत खराब हुई थी guys, because एक इंसान था जिसकी वजह से हम navigation में भटक गए थे। वो रहा guys हर्ष, गली में घुसने के लिए किसने बोला? तूने बोला था, क्योंकि navigation system इसके हाथ में था। मैंने तो आज के टाइम पता है इसका navigation system क्यों खराब था, क्योंकि इसने ना मैप पे अवॉइड हाईवे ऑन कर रखा था। आज के बाद कुछ गाइज गूगल मैप पे भरोसा मत करना, बाय गॉड मेन हाईवे से जाना, ऐसे जहाँ हाईवे चल रहा है वहीं चलना। मैं तो ट्रैफिक में खड़े रहो, चाहे ट्रैफिक में खड़े रहो, बट मेन हमें बोल रहे तुम्हारा मोए मोए हो गया, हम तो पहुंच भी गए, इनका खुद का मोए मोए हो गया। फिर लेकिन यार सच्ची में ट्रैफिक था दिल्ली में उस दिन, तो सब जाम था भाई। प्रणब भैया 9 मिनट की लोकेशन पे कितने घंटे में पहुंचे? 1.5 घंटे में, सोच ले कितना। सच्ची में गाइस, लखनऊ से दिल्ली लगाई 4 घंटे में, और दिल्ली से नोएडा से लगाई 4 घंटे में। भाई बहुत मुश्किल था वो दिन गाइस। आप लोगों को पता है प्रणब भैया की शादी है गाइस, एंड प्रणब भैया की शादी में लैम्बोर्गिनी लेके जाना हमारा एक बहुत बड़ा सपना था। एंड जिस दिन हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ ना, उसी दिन मैंने लैम्बो में फोन कर दिया था। मैंने कहा भाइयों इसका शीशा चेंज करके दे दो, तो उन्होंने कहा ठीक है बाबू भाई हम कर तो देंगे, बट 4-5 दिन लगेंगे। एंड ऑनेस्टली हमारे पास 4-5 दिन नहीं थे, बिकॉज शादी इसी टाइम पीरियड के लिए थी। लैम्बो लेकर के आना, अयोध्या लेकर के जाना, और फिर शादी में लेकर के आना, ये सारी चीजें हम लोगों ने प्री प्लान कर रखी थी। तो द थिंग इज मैंने मोनू भैया का फोन करा, मैंने कहा मोनू भैया मुझे ना गाड़ी किसी भी कंडीशन में ठीक चाहिए। तो मोनू भैया ने कहा मैं बैठा हूँ यहाँ पर, कोई टेंशन नहीं। उन्होंने हमें एक शोरूम रिकमेंड करा रोलिंग व्हील्स, उन्होंने कहा बाबू भैया अपनी लैम्बो वहां लेकर के जाओ और वो आपको रिपेयर करके दे देंगे। फिलहाल के लिए वो रिपेयर हो जाएगा, बाकी हम लोगों ने इसे इंश्योरेंस में क्लेम कर ही लेना है। इंश्योरेंस करा रखा था, कोई टेंशन ही नहीं है। आज सुबह क्या करा हर्ष और दुष्यंत ने ना लैम्बोर्गिनी भिजवा दी थी रोलिंग व्हील्स में गाइस, एंड अभी हो चुकी है शाम। गाड़ी ना सुबह ही जा चुकी थी, उन्होंने कहा था हम आपको शाम तक गाड़ी पूरी एकदम A1 करके दे देंगे। सो मेरे को ना बहुत टेंशन हो गई थी, मैंने कहा क्या होगा कैसे होगा, बिकॉज नया शीशा आने में ना ऑलमोस्ट अभी 10 दिन तो लगेंगे ना, कम से कम 10 दिन तो लगेंगे, और पेंट में थोड़ा सा तो उसमें 15 दिन जाते हैं हमारे, मतलब इतना टाइम लगने वाला है लैम्बो को एकदम नया बनाने के लिए। फॉर द टाइम बिंग हम लोगों ने रिपेयर करवा लिया रोलिंग व्हील से, बस अभी देखने जाना है कि उन्होंने कैसा काम करा है। एट द सेम टाइम गाइस ब्रेक पैड भी हम लोगों ने नए डलवा लिए, बिकॉज हम लोग थोड़ा स्पीड अप कर रहे थे, तो मुझे ये था कि मैं नए ब्रेक पैड्स डलवा लेता हूँ। बट इस व्लॉग की शुरुआत में एक बम छोड़ना तो बनता है गाइस। क्या लैम्बो तो हमारे पास आज घर जा रही है, क्या कह रहे हो बॉयज, मैक्लेरेन भी आ रही है सुपर स्पोर्ट्स ड्यूल टर्बो गाइस, एक और सुपर कार आ रही है हमारी फैमिली में, एक और अभी सब कुछ रिवील मत करो, बट हाँ फिलहाल के लिए एक नई सुपर कार आ रही है हमारी मैक्लेरेन। भाई आपके वो हुई है सुपर कार से सेटिस्फाइड? भाई मेरे को तो मतलब नशा चढ़ चुका है सुपर कार का। भाई जो लैम्बो की जो फील है ना गाइस, सेम फील मैक्लेरेन की है। एंड मैक्लेरेन हम लोग लेके आने वाले 620S, जो कि अपने आप में अल्टीमेट होने वाली है, बट अभी तक लैम्बोर्गिनी घर नहीं पहुंची। तो मेरी मम्मी सीटर है क्या? वो भी 2 सीटर है गाइस। चलो हम दोनों की क्या कह रहे हो, अब हमारे पास 3 सुपर कार हो जाएगी, लैम्बोर्गिनी सुपरा और मैक्लेरेन। भाई हाँ ठीक है, खड़ी हम पे लैम्बोर्गिनी, बट मैक्लेरेन भी आ रही गाइस, और हर में ना दो सीट है। बताओ मैंने 3 सुपर कार क्यों ली, क्योंकि मैं हर्ष एक गाड़ी में, दुष्यंत का एक गाड़ी में, और भव्या और प्रणव भैया एक गाड़ी में। फिलहाल के लिए लैम्बो लेकर के जा रहे हैं, बट मैं आपको बता देता हूँ, वी हैव बुक्ड आवर न्यू सुपर कार, बता देता हूँ इस वाले ब्लॉग में रिवील। हम लोगों ने अपनी नई सुपर कार फाइनली बुक करा दिया गाइस। मैं आपको अभी आने वाले ब्लॉग से बताऊंगा कि कहां से क्या कर रहे हैं, बट कांग्रेचुलेशंस ब्रो से। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो गाइस, मैक्लेरेन लेनी चाहिए नहीं चाहिए? मैंने एक वीडियो प्ले करके बता रहा हूँ, अगर इस ब्लॉग पे 10,000 कमेंट आएंगे ना कि बाबू भैया मैक्लेरेन ले लो, तो फिर हम लोग मैक्लेरेन ही फाइनल कर देंगे। Because
बिकॉज मैंने दो गाड़ियों पे दिलाए, एक लोटस पे और एक मैक्लेरेन पे। दोनों सुपरकार्स की वीडियोस में ना मैं इसी ब्लॉग में लगा रहा हूँ। जिस भी कार के लिए सबसे ज्यादा कमेंट आएंगे हम लोग वही कार लेकर के आएंगे। पहले इस मैक्लेरेन, दूसरी इस लोटस, कमेंट करके बताओ। ओके गाइस, वी आर रेडी टू मूव, चेक दिस आउट, ये रही हमारी हाइलक्स। कल तक हम लोगों ने लैम्बो यहाँ पर खड़ी कर रखी थी एंड यहाँ पर पार्किंग स्पेस भी मस्त था, तो अंदर गाड़ी एकदम सेफली पार्क हो गई। फिलहाल अभी हम लोग चाह रहे गाइस अपनी लैम्बो को लेने के लिए। इतनी खुशी लगती है ना, सब भी व्लॉग में बोलता है कि लैम्बोर्गिनी इन द हाउस। क्या कह रहे हो, दूसरी सुपर कार, सॉरी तीसरी सुपर कार। मेरी मम्मी है व्लॉग देखने, उड़ा देगी मेरे को, मुझे पता है मेरी मम्मी तो उड़ाने वाली है। मतलब वो तो नहीं है ना, बट अभी तीन तो खड़ी है ना हमारे पास, तीन सुपर कार्स खड़ी है गाइस, लेट्स गो। एंड गाइस हमारे साथ कलमिंग भी था। ये रही गाइस कलमिंग की कार, देखना कितने धूल धूल हो गए। एक्चुअली ये बाहर खड़ी हुई थी। एक और कार आ रही है, तीन चार गाड़ियां हमारे पास टोटल घर ले जाने के लिए। अभी सारा कॉन्वॉय भी तैयार हो रहा है। यहाँ से पहले हम लोगों को शोरूम जाना है, वहां से लैम्बो पिक करेंगे, उसके बाद चलते हैं। सो हम लोग जी फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके थे जहां पर हमारा लैम्बो का काम चल रहा था गाइस। एंड द थिंग इज दुष्यंत की तबीयत खराब है। दुष्यंत आजकल बहुत ज्यादा नींबू पानी पी के घूम रहा है, इसलिए मैं बोलता हूँ कम नींबू पानी पिया करो। मुझे टेंशन दो भैया की। क्या, किसकी टेंशन चाहिए भैया? क्या टेंशन चाहिए की मुझे? क्यों, मुझे क्या पता, वो बोल रहा है मुझे भैया क्या टेंशन चाहिए। हर्ष तुझे भी चाहिएगा मेरी टेंशन? कभी मांगी। बोल रहा मैं भव्या नहीं हूं ना। गाइस भव्या का सीन आपको बता देते हैं। भव्या को घर में बहुत कुछ अर्जेंट सा काम था, भंडारा करा, मतलब पूजा हो जाती है, करना है। तो भव्या को ना अर्जेंटली घर वापस जाना पड़ा। फिलहाल गाइस लैम्बो में डल रहे हैं नए ब्रेक पैड्स। एंड गाइस हम लोग पहुंच चुके थे रोलिंग व्हील्स, अंदर शोरूम में खड़ी है गाड़ी। बस जैसे ही ब्रेक पैड डलते हैं फिर आपको बताते हैं आगे कहानी। सहमलो जी, रात के बज रहे ऑलमोस्ट 11 गाइस। एंड फाइनली गाइस, लास्ट वाले व्लॉग में आप लोगों ने देखा था हमारी लैम्बो हो चुकी थी थोड़ी सी डैमेज। बट द थिंग इज गाइस, जब भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है जिंदगी में, अच्छे लोग आ जाते हैं हमारी हेल्प आउट करने के लिए। एंड चेक दिस आउट गाइस, लैम्बो हो चुकी है एकदम सही। क्या कह रहे हो, प्रणव भैया की शादी के लिए एकदम फुल पावर हो चुकी है। मिरर गाइस सही हो चुका है, पीछे वाला जो डैमेज था ना गाइस वो भी पूरा का पूरा क्लीन हो चुका है। एंड द थिंग इज, मैं आप लोगों को बता देता हूँ पूरी सिचुएशन हुई क्या। हम लोगों ने ना लैम्बो के लिए शोरूम में कॉल करा था, बट शोरूम वालों से हमारी बात हुई तो दे सेड कि ऑलमोस्ट 10 दिन तो आपको लग जाएंगे इसको क्लेम में लेने के लिए। एंड आपको पता है गाइस प्रणव भैया की शादी थी 29-30 के, उस टाइम पे हम लोगों ने ना सुरेश भाई को कॉल करा। इनका एक शोरूम है गाइस रोलिंग व्हील्स के नाम से। मैं आपको बता देता हूँ सिचुएशन क्या हुई। मोनू भाई ने मेरे को इनसे कनेक्ट करवाया और आज ना सब चीजें बंद थी, बट दे सेड कि यू नो हम आपकी गाड़ी को ठीक करके देते हैं। थैंक यू सो मच सुरेश भाई। इनका शोरूम है कहाँ पर, आपका शोरूम है? मेरे लोगों को बता दो। एंड क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं? लोग सारे सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, लाइक एक्सीडेंटल रिपेयर्स, मैकेनिकल, सेरामिक कोटिंग, पीपीएफ मॉडिफिकेशन, एवरीथिंग जो भी गाड़ी में होता है हम सब प्रोवाइड करते हैं। ट्रस्ट मी गाइज, इन्होंने ये लैम्बो ना 12 घंटे में रिपेयर करके दिए जस्ट बिकॉज मेरे को ये शादी में लेकर के जानी थी। थैंक यू सो मच सुरेश भाई फॉर द सर्विसेज गाइज। इनका शोरूम आप ऑलरेडी देख ही सकते हैं, यहाँ पर आप लोग आ सकते हैं। यहाँ पर मेरी लैम्बो यहाँ पर आई है एंड इन्होंने काम एकदम परफेक्ट करके दिया है। सो अगर आपको भी फ्यूचर में कुछ भी चीजें हो करवाने के लिए, यू कैन विजिट रोलिंग व्हील्स। एंड द थिंग इज बॉयज, आई एम रियली हैप्पी कि फाइनली लैम्बो तैयार हो चुकी है। मैं आपको बता देता हूँ, इसने अभी इंश्योरेंस क्लेम के लिए जाना है। इंश्योरेंस क्लेम के लिए ऑलमोस्ट 4-5 दिन तो लगेंगे, बट उन चार पाँच दिनों में आपको पता है क्या कह रहे हो गाइस, कौन सी गाड़ी आ रही है? McLaren. सब कुछ रिवील कर देना ना इसी व्लॉग में। गाइस McLaren इज कमिंग। इसकी इस छोटी बहन बोलूं, बड़ी बहन बोलूं, दुष्यंत क्या बोल सकते हैं हम लोग? इसकी ताऊजी की लड़की बोल दो, दोनों सेम है। I like. जब McLaren और लैम्बो विल गो ऑन रोड्स, नेक्स्ट लेवल सीन होने वाले। मैंने बताया ना, दो बंदे बैठे हैं यार एक गाड़ी में भाई। हाँ, और सिक्योरिटी मुझे लगता है 4 गुना और बढ़ानी पड़ेगी। हाईलाइट्स पूरी हो गई, आगे पीछे सब जगह, आगे पीछे बैठ के ना छतों पे, ये करना पड़ेगा अब तो। बट यार मैं लैम्बो को देख करके बहुत खुश हूँ यार। बट यार ये मेरा ड्रीम था, भाभी को हम लोग लैम्बो में ही लेकर के आएंगे। लैम्बो एकदम हो चुकी है फुल पावर। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं देहरादून के लिए। कलमिंग इज ऑलरेडी लेफ्ट को, ऑलमोस्ट 4 घंटे लगेंगे बिकॉज फॉग हो रहा है। अभी हमें भी 4-5 घंटे तो लगने वाले हैं बिकॉज अभी हाईवे पे फुल फॉग सीन्स होने वाले हैं। लैम्बो को बाहर निकालते गाइज और चलते हैं सीधा घर के लिए यार। उत्तराखंड वाले पेरिफेरल पे एंड लैम्बो फाइनली जाने वाली है गाइस उत्तराखंड। बट उससे पहले रहते का हमारे साथ ही, तो स्पीड टेस्ट मतलब है गाइस एंड इसे हम लोग कराने वाले लैम्बो का स्पीड चेक। रेडी? रेडी, तैयार हो जेट की सवारी के लिए?
जीरो टू हंड्रेड 3 सेकंड में जाती है, सुप्रा थोड़ा ज्यादा टाइम लेती थी, उसका 0 to 200 बहुत कम है, बहुत कम। एक्सपायर्ड पैडल पे ना, पैडल पे पैर रखते ही ना गाइस क्रेजी फटने लग जाती है, ऐसे हवा की तरह निकलती है ना, कसम से बहुत पावर है यार लांबो में, बहुत ज़्यादा पावर। फिलहाल अभी स्पीड चेक है गाइस, थोड़ा सा स्लो डाउन करना पड़ेगा नहीं तो चलान कट जाएगा, बट एक पुश और तो बनता है हमारा, लेट्स गो। ओके गाइस, आ चुके हम लोग हाईवे पे, चेक दिस आउट, फिर से एकदम खतरनाक वाला फॉग ऑन हो चुका है, एंड यही टेंशन थी मेरे को हाईवे पे आते हुए, बिकॉज रात के टाइम ये फॉग ना बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है, रोडें ना बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती, और इस सिचुएशन में गाड़ी हमें ट्रेस डाउन कर रही है गाइस। एंड एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मैं अपने फैंस से कि रात को जितने भी लोग यू नो फोटो खिंचाने के लिए गाड़ी रोकने की कोशिश करते हैं ना, प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, रात को मत रोकना गाइस, बिकॉज रात को हम लोग रुकेंगे भी नहीं, आप भी आप भी डेफिनेटली समझते होंगे सिक्योरिटी रीजंस के कारण हमारी गाड़ियाँ नहीं रुकेंगी, आप दिन में भी लो आराम से फोटो करवाओ, कोई मुश्किल नहीं है, बट चलिए चेक करो फॉग कितना भयंकर हो रहा है। सो हम लोग जी सुबह के बज रहे 5 गाइस, एंड फाइनली बाबू भैया पहुंच चुके हैं लैम्बोर्गिनी को लेकर के अपने घर में। क्या 5:30 हो रही है? 5:30 गाइस, हालत खराब हो चुकी है गाड़ी चला चला के, बट लैम्बो की आवाज पहुंच चुकी है अपने मोहल्ले में। अभी घर वालों को गाइस सरप्राइज देंगे। भाई इसकी आवाज ना V10 की आवाज गाइस अलग ही होती है, अलग नेक्स्ट लेवल फटती है इसकी आवाज। मैं ना दुबई में ऐसी साउंड सुना करता था रत्ते का कसम से, तो मुझे लगता था काश कभी मेरे पास भी एक ऐसी कार होगी जो ऐसी साउंड करेगी। एंड अब तो नहीं आ रही है। पहुंचते हैं गाइस घर अभी ना, इसको जा करके फिलहाल हम लोग ना गैराज में खड़ी करने वाले हैं, मैं अभी पापा को सरप्राइज दूंगा गाइस, अच्छे से स्वागत कराएंगे। अभी 5:30 बज रहे हैं ना, सब सो रखे होंगे, बट पहुंच गए गाइस घर, इसे पार्किंग में खड़ी करते हैं और मिलाते हैं आपको मम्मी पापा से। ओके गाइस, सुबह के बज चुके हैं 6 एंड फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं घर, एंड ये चेक करो हमारी लैम्बो हम लोग लगा रहे हैं अपनी पार्किंग में, नीटू भाई और बाली भाई भी खोल रहे हैं गाइस गेट, फटाफट गाड़ी को अंदर पार्क करते हैं। हर्ष ने भी लैम्बो चलानी एकदम फुल पावर सीख ली है, एंड अब वो आराम से हाईवे हाईवे पे ड्राइव कर लेता है इजीली। ओके बॉयज, पहुंच चुके हैं हम लोग फाइनली अपने घर, एंड द थिंग इज आपको किसकी आवाज आ रही होगी, किसकी आवाज है भाई ये किसकी आवाज है, ये किसका सुंदर सा बेटा है, ये किसका सुंदर सा बेटा है भाई, ये जुलू है, जुलू को खांसी भी हो रही है, खुशबू आ रही है जुलू से। और नाम पावना, ये किसकी चुंदर थी बेटी, ये किसकी चुंदर थी बेटी, क्या हुआ व्हाट इज अप मावर नाम, हेलो 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 गाइस, क्या हाल चाल, क्या हाल है बेबीज, कैसे हो आप दोनों, कैसे हो आप, क्या हाल है, कैसे हो, कैसे कैसे हो। फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं घर, ये वाला ब्लॉग यहीं पर खत्म करते हैं, बहुत थक चुके हैं गाइस, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सरप्राइज के साथ, टिल देन बी सेफ एंड नाइट्स अप गाइस। कालो तुम्हारे लिए माय पीपल।